एपिसोड 231, राइजिंग सन। तुम? तनुजा को बहुत शर्म आ रही थी। जो कुछ भी उनके बीच अभी अभी हुआ था, उस सब के बारे में सोच सोच कर तनुजा को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिमाग ने ही काम करना बंद कर दिया हो। वो उसे जवाब देना चाहती थी, पर दिमाग ही बंद हो जाने के कारण वो उसे कुछ बोल नहीं पाई। वो सही कह रहा था, तनुजा सच में बस बैठी ही रही थी। तनुजा को ऐसा लग रहा था कि अगर वो उसी सब के बारे में सोचती रही तो वो शर्म से ही मर जाएगी। अच्छा ठीक है, तुम ही हमेशा सही होते हो, तनुजा ने परेशान होकर कहा। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो अपनी जरूरतों का ध्यान खुद ही रखा करो ना। अब मैं आइंदा तुम्हारे साथ करूंगी नहीं ये सब। ये सुनकर अरमान एंग्शियस हो गया और बोला, अरे नहीं नहीं मैं गलत हूँ, तुम बहुत महान हो, इनफैक्ट तुम सबसे अच्छी हो। तनुजा हैरान थी कि कैसे अरमान अचानक अपनी ही बात से पलट रहा था, पर मन ही मन वो काफी खुश भी थी अरमान को उस समय सारा काम करते देखकर। अगले कुछ दिनों तक अरमान तनुजा को रोज रात को बेड पर वही सब में बिजी रखता था। पहली बार के बाद से ही अरमान तो कभी थकता ही नहीं था, पर उधर दूसरी ओर तनुजा सारा दिन थकी रहती थी। उसके हाथ पैर में दर्द रहता था, वो ढंग से चल फिर तक नहीं पाती थी। वो ये देखकर और दुखी थी कि अरमान की एनर्जी तो दिन पर दिन और बढ़ती जा रही थी। वैसे तो तनुजा भी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ा रही थी धीरे धीरे, पर फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि गुजरते दिनों के साथ उन दोनों की ताकत का अंतर बढ़ता ही चला जा रहा था। जिस दिन वो दोनों उस आइलैंड से निकले, तनुजा को वहाँ का नजारा कैसा दिखता था ये नहीं याद था। उसे जो याद था वो था बस उस होटल का बेड, पर अरमान के साथ उल्टा था। प्लेन बोर्ड करते टाइम वो काफी खुश और रिफ्रेश हुआ लग रहा था। उसने कहा, सीसाइड पर छुट्टियों के लिए आना कितना अच्छा आइडिया था ना, हमें यहाँ आते रहना चाहिए, हर 3 महीने में एक बार कैसा रहेगा। ये सुनकर तनुजा की टांगे कांपने लगी थी, उसे अब सीसाइड शब्द से ही डर लगने लगा था। 6 महीने बाद, यहाँ तक कि 1 साल बाद भी तनुजा इस जगह वापस नहीं आना चाहती थी कभी भी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, क्या तुम खुश नहीं हो, अरमान ने तनुजा के बाल सहलाते हुए पूछा। हम इस बारे में बाद में बात करते हैं, तनुजा ने कहा। फिर हम गर्मियों में यहाँ आएंगे, पूरी गर्मियों की छुट्टियां हम यहाँ बिता सकते हैं, अरमान ने कहा। इस बारे में मैं तब सोच सकती हूँ अगर तुम वादा करो कि हम वो सब 2-3 दिन में एक बारी करेंगे तो, तनुजा ने कहा। तुम कहना क्या चाहती हो, दिन में तो हम एक ही बार, अरमान ने परेशान होते हुए कहा। मैंने नेट पर चेक किया है, 80% लोग तो एक ही रात में 2 से 3 बार करते हैं, पर तुम्हारा एक बार ही उनके 7 के बराबर होता है, तनुजा ने शिकायत करते हुए कहा। क्या मैं इतना अच्छा हूँ, अरमान ने खुश होकर पूछा, साथ ही वो थोड़ा शर्मा भी रहा था। ये सुनकर तनुजा ने अपने माथे पर हाथ रख लिया, वो उससे अब और बात नहीं करना चाहती थी। कल रात अरमान इतना एक्साइटेड था, इसी वजह से आज तनुजा की टांगों में इतना दर्द था। पर तुम्हें भी तो मजा आया था ना, अरमान उसके पीछे पीछे चलता रहा और बोला, मुझे नहीं लगता कि हमें फ्रीक्वेंसी कम करनी चाहिए, पर मुझसे अब और नहीं होता, तभी तो तुम्हें और प्रैक्टिस करनी चाहिए, अरमान ने कहा। वहां मौजूद फ्लाइट अटेंडेंट ने शर्माते हुए उनसे कहा, क्या आप प्लीज थोड़ा धीरे बात कर सकते हैं, और अगर हो सके तो ये सारी बातें यहाँ गेट पर मत कीजिए, आपके पीछे काफी लोग हैं। ये सुनकर तनुजा का चेहरा लाल हो चुका था शर्म से, वो तो बस उस जगह से किसी भी तरह गायब हो जाना चाहती थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ की फ्लाइट अटेंडेंट ने हिंदी कैसे समझ ली थी। तनुजा ने चुपचाप अपना सिर झुकाया और वहाँ से आगे चली गई, और मन ही मन उसने ये सोच लिया कि वो फिर कभी उस फ्लाइट में दोबारा नहीं बैठेगी। तकरीबन टेक ऑफ के 1 घंटे बाद अरमान वॉशरूम गया और उसने वापस आकर तनुजा से कहा, अभी मैंने उन फ्लाइट अटेंडेंट्स को हमारे बारे में बात करते हुए सुना जब मैं वॉशरूम में था। तनुजा ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी इस बात का अंदाजा था ही कि आखिर वो किस बारे में बात कर रही होंगी। अभी वो सोच ही रही थी कि अरमान खुद ही बोल पड़ा। वो कह रही थी कि तुम कितनी खुशकिस्मत हो कि तुम्हें मेरे जैसा लड़का मिला है जिसका एक बार ही बाकियों के 7 के बराबर है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बेहद हैंडसम और स्ट्रांग भी हूँ। तनुजा कुछ पूछना नहीं चाहती थी, पर वो अच्छे से गेस कर सकती थी, और ठीक जैसा उसने सोचा था अरमान वही सब बोलने लगा। वो कह रही थी कि तुम बहुत लकी हो, तुम एक ऐसे लड़के के साथ हो जो एक ही रात में 7 बार कर सकता है,
और मैं काफी अट्रैक्टिव भी हूँ। तनुजा ने कोई जवाब नहीं दिया। देखा तुम कितनी लकी हो, अरमान ने प्राउडली मुस्कुराते हुए कहा, बाकी लड़कियां तुमसे जलती हैं। तनुजा ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, पर तभी उसे एहसास हुआ कि उसे पता ही नहीं था कि उसे क्या बोलना था। बाद में वो सोचने लगी और सोचते सोचते गहरी सोच में पड़ गई कि क्या वो इस सब चीज में इतनी बुरी थी। शेड्यूल के मुताबिक अपने ट्रिप की आखिरी रात उन्होंने मेलबर्न में रहना था। आज और कल का दिन वहां गुजारने के बाद वो शाम 5 बजे की फ्लाइट से वापस मुंबई जाने वाले थे। सुबह के तकरीबन 11 बजे थे जब वो मेलबर्न एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट से घर के रास्ते में तनुजा ने शिवानी को मैसेज किया और उससे पूछा कि क्या अरमान का उस सब में इतना अच्छा होना अच्छी बात थी या बुरी। शिवानी ने जवाब दिया, तो मतलब फाइनली तुम दोनों में सब कुछ हो गया। तनुजा ने शर्माते हुए अपना सिर झुकाकर रिप्लाई किया, मेरे सवाल का जवाब दो बस, शिवानी ने कहा। तो मतलब अरमान जी सब में अच्छे हैं, कहीं उन्होंने एक ही रात में 7 बार तो नहीं, तनुजा ने जवाब में लिखा। नहीं, पर उनका एक बार ही बाकियों के 7 बार से लंबे समय तक चलता है, शिवानी ने जवाब दिया। अरे वाह, तनुजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। शिवानी उसके सवाल का सीधा जवाब दे ही नहीं रही थी। तभी शिवानी का एक और मैसेज आया, हाँ बिल्कुल अच्छी बात है ये, अरमान काफी अमीर है और तुम्हारे साथ भी अच्छे से रहता है, ऊपर से इतना एनर्जेटिक भी है, कितनी लकी हो तुम, आखिर और क्या चाहिए तुम्हें। तनुजा बेहद कंफ्यूज हो चुकी थी, वो खुद को रोक नहीं पाई और उसने शिवानी से पूछा, तो क्या तुम्हें ऐसे मर्द पसंद है, ऐसे मर्द जो अगले दिन तुम्हारा बेड से उठ पाना ही मुश्किल कर दें। तनुजा सच में ये बात सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि शिवानी के मासूम से चेहरे के पीछे इतनी वाइल्डनेस छुपी हुई थी। शिवानी का रिप्लाई आया, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि अरमान जी ने तुम्हारे साथ रोज, और उसके बाद तुम बेड से भी नहीं उठ पाती हो। तनुजा बेहद शर्मिंदा हो चुकी थी, वो अब इस बारे में और बात नहीं करना चाहती थी, पर कहीं ना कहीं वो भी शिवानी की पसंद जानना चाहती थी। शिवानी ने मैसेज किया, मुझे नहीं पता, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, पर मेरे मुताबिक तो सबसे पहले कंफर्टेबल होना चाहिए सब, अगर उसने तुम्हें कंफर्टेबल फील करवाया फिर सब ठीक है। तनुजा हैरान थी, ये तो भगवान का शुक्र था कि वो दोनों मैसेज पर ही बात कर रहे थे। शर्म के मारे तनुजा का चेहरा एकदम लाल हो चुका था, शायद पहले कभी उनकी इस बारे में बात ही नहीं हुई थी, इसलिए तनुजा को शिवानी के इस रूप के बारे में आज तक नहीं पता था। क्या तुम्हें कभी नहीं, तनुजा ने पूछा। शिवानी ने जवाब में कहा, मैं चाहती तो थी, पर मैं अपने बॉयफ्रेंड से सालों तक तो मिलती ही नहीं हूँ, तो किसके साथ करूँ ये सब। खैर जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ वो सब अच्छी बात है, तुम ज्यादा सोचना बंद करो, तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि आजकल काफी लड़कियों की सेक्स लाइफ कुछ खास अच्छी नहीं है। तनुजा चुप हो गई, अब तो शिवानी ने भी कह दिया है, मुझे लगता है मुझे इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। तनुजा मन ही मन सोचने लगी, तुम किसे मैसेज कर रही हो, मुझे क्यों नहीं देखने दे रही। अरमान जो उसके बगल में ही बैठा था न जाने कब से तनुजा के एक्सप्रेशन नोट कर रहा था। तनुजा ने तभी अपना फोन साइड पर रख दिया और बोली, शिवानी थी, हम दोनों कुछ अपने सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे। उसके साथ भी तुम्हारे कुछ सीक्रेट्स हैं, अरमान ने मायूस होकर पूछा और तनुजा का हाथ पकड़ते हुए कहा, बस मेरे साथ ही तुम्हारे कोई सीक्रेट्स नहीं है, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी ही हूँ, फिर हमारे बीच सीक्रेट्स की क्या जरूरत है, तनुजा ने लाचार होकर कहा। एक बार तो अरमान चुप हो गया, बाद में वो भी तनुजा की बात से सहमत था। होटल पहुंचते ही उन्होंने होटल के ही रेस्टोरेंट में लंच किया। उसके बाद थक हार के तनुजा सीधे बेड पर जाकर लेट गई और अरमान भी उसके साइड पर लेट गया रेस्ट करने के लिए। तभी अचानक रात को तनुजा का फोन बजा, किसी ने उसे मैसेज किया था। तभी अरमान ने उसके फोन पर राइजिंग सन नाम फ्लैश होते हुए देखा। एपिसोड 232 बूट्स। वो नाम साफ तौर पर किसी आदमी का था। अरमान ने बिना कुछ सोचे समझे तनुजा का फोन उठाया और मैसेज खोलकर पढ़ने लगा। तनुजा मेरे बूट्स मत भूलना, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ, मुझे अगले साल एक फिल्म की शूटिंग के लिए अब्रॉड जाना है। फिल्म की शूटिंग? अरमान ने राइजिंग सन की सोशल मीडिया प्रोफाइल खोल ली और उसे वहाँ दिलप्रीत की फोटोज मिली। वो स्क्रीन की तरफ देख रहा था और अचानक उसका चेहरा ही जैसे मानो उतर सा गया था।
तनुजा सच में किसी और आदमी को गिफ्ट के तौर पर बूट्स देना चाहती थी और मुझे आज तक उसने बस एक स्कार्फ ही दिया है, ये तो गलत बात है। आखिर मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, वो ऐसा कैसे कर सकती है, अरमान मन ही मन सोचने लगा। अरमान बस तनुजा को उठाकर उससे ये सवाल करने ही वाला था कि अचानक उसने अपना विचार बदल दिया और कुछ ना कहना ही ठीक समझा। वो देखना चाहता था कि तनुजा क्या सच में चोरी छिपे दिलप्रीत के लिए बूट्स खरीदती है या नहीं। गुस्से में अरमान ने वो मैसेज ही डिलीट कर दिया और फिर दिलप्रीत को तनुजा के अकाउंट से भी रिमूव कर दिया। उसके बाद उसने तनुजा का फोन साइड पर रख दिया। तब तक उसकी नींद तो अच्छे से खुल ही चुकी थी। तकरीबन 3 बजे जब तनुजा की आंख खुली और उसने अरमान को अपने साथ ऐसे जागते हुए लेटे हुए पाया तो उसने पूछा, क्या हुआ, आप सोए नहीं? अरमान उसे घूरता रहा पर कुछ बोला नहीं। तनुजा ने उसे जरा भी भाव नहीं दिया। वो जल्दी से खड़ी हुई, अपने बाल बांधे और बोली, चलिए उठिए, हमें शॉपिंग मॉल जाना है। आपकी माँ और दीपिका के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं। वैसे भी हम कितना ही घर से बाहर आते हैं, उनके अलावा तुम्हें और किसी के लिए गिफ्ट तो नहीं खरीदना ना? अरमान बेड से उतरा और उसने तनुजा की आंखों में आंखें डालते हुए पूछा। वो तनुजा के चेहरे का एक भी एक्सप्रेशन मिस नहीं करना चाहता था। तनुजा मन ही मन दिलप्रीत के गिफ्ट के बारे में सोचने लगी। थोड़ा गिल्टी महसूस करते हुए उसने कहा, शिवानी, शीना, सोनू, शिवानी ने मुझे उसके बॉयफ्रेंड के लिए भी एक गिफ्ट लाने को कहा है। शिवानी और उसका बॉयफ्रेंड साल में एक भी बार तो मिलते नहीं है, तो फिर उसने तुम्हें उसके लिए गिफ्ट लाने को क्यों कहा है, अरमान ने पूछा। तनुजा ने अपनी नाक सहलाते हुए कहा, बहुत से कपल साल के एंड में मिलते हैं, ठीक वैसे ही शिवानी और उसका बॉयफ्रेंड भी मिलेंगे, आप उन्हें जानते तक नहीं है, आप उनके बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं? अरमान ने थोड़ी देर तक सोचा, फिर पूछा, तो फिर तुमने उसके बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट में क्या लाने का सोचा है? भगवान करे वो बूट्स ना हो, अरमान मन ही मन चाह रहा था। तनुजा ने बाथरूम की तरफ जाते हुए कहा, वो मैं देख लूंगी, कुछ भी मुझे उनके लिए लेने लायक लगा तो वो मैं ले लूंगी। वो होटल की गाड़ी में ही मेलबर्न के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल तक गए। दुनिया भर के सभी फेमस ब्रांड्स थे वहाँ। तनुजा ने दीपिका के लिए उसकी फर्स्ट नाइट के लिए एक नाइट गाउन लेने का सोचा, क्योंकि अब जल्द ही उसकी शादी होने वाली थी। तनुजा जैसे ही स्टोर में गई, उसे वहाँ हर तरह के नाइट गाउन दिखे, जिन्हें देखकर उसे बेहद शर्मा रही थी। वो सोच रही थी कि अरमान भी उसके लिए कुछ ड्रेसेस सेलेक्ट कर लेगा और इसी बात को लेकर वो थोड़ा नर्वस हो रही थी। पर हैरानी की बात ये थी कि अरमान पूरा समय चुप रहा और बस खड़ा हुआ तनुजा को ड्रेस सेलेक्ट करते हुए देखता रहा। उसने दीपिका के लिए एक ड्रेस सेलेक्ट की और उसकी पेमेंट कर दी। उसके बाद वो अरमान की माँ के लिए गिफ्ट ढूंढने लगी। उसे उनकी पसंद ना पसंद पता नहीं थी, इसलिए उसने अरमान से पूछा, क्या आपको पता है आपकी माँ को क्या पसंद है? मुझे कैसे पता होगा, अरमान ने जवाब दिया। इसका क्या मतलब कि मुझे कैसे पता होगा, वो आपकी माँ या मेरी, तनुजा मन ही मन सोचने लगी, क्योंकि अरमान ने उसे कोई टिप देने से साफ इनकार कर दिया था। इसलिए तनुजा ने खुद ही उनके लिए कोई गिफ्ट सिलेक्ट करने का सोचा। मॉल में काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक ब्रांड मिला जिसके स्कार्फ बहुत अच्छे थे। तनुजा को याद था कि जब वो पिछली बार न्यू ईयर पर उनसे मिली थी तब उन्होंने एक स्कार्फ पहना हुआ था। आपकी माँ के लिए स्कार्फ कैसा रहेगा, तनुजा ने अरमान से पूछा। तुमने मुझे भी गिफ्ट के तौर पर स्कार्फ ही दिया था और अब तुम मेरी माँ को भी स्कार्फ दे रही हो, तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं, अरमान ने गुस्से में कहा। तनुजा काफी कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान ऐसे बिहेव क्यों कर रहा था। क्या मैं तुम्हें स्कार्फ देने के बाद बाकी किसी को गिफ्ट के तौर पर स्कार्फ नहीं दे सकती, और यहाँ जिस किसी और इंसान की बात हो रही है वो तुम्हारी माँ है। तुमने मुझे स्कार्फ इसलिए ही दिया था ना क्योंकि तुम मुझे और खुद को हमेशा के लिए एक बंधन में बांधना चाहती थी, या लोगों को गिफ्ट में स्कार्फ देना तुम्हारी हॉबी है। अरमान काफी इरिटेट हो चुका था। तुम्हें मुझे थोड़ा स्पेशल तरीके से ट्रीट करना चाहिए ना। तनुजा को लग रहा था कि अरमान एक बार फिर फालतू की बात पर चढ़ रहा था। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैं किसी और को गिफ्ट के तौर पर कभी स्कार्फ नहीं दे सकती क्योंकि मैंने आपको स्कार्फ दिया था, आपकी माँ को भी नहीं, तनुजा ने पूछा। हाँ सही कह रही हो तुम, अरमान ने कहा, और साथ ही तुम अपने पिता के अलावा और किसी मर्द को भी कोई गिफ्ट नहीं दे सकती, क्योंकि अरमान ने साफ साफ कह दिया था।
तो तनुजा को पता था कि अगर उसने दिलप्रीत के लिए बूट्स लेने की हिम्मत भी की तो अरमान काफी नाराज हो जाएगा। अच्छा तो अब आप ही बताओ आपकी माँ के लिए क्या गिफ्ट लूँ, तनुजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा। अब ये मत कहना कि तुम्हें नहीं पता, पिछले साल न्यू ईयर पर मैंने उन्हें स्कार्फ पहने देखा था और इसलिए ही मैंने उनके लिए स्कार्फ खरीदना चाहा। मैं तुम्हारी माँ को इम्प्रेस करना चाहती हूँ अपने गिफ्ट से, क्या तुम मेरा थोड़ा साथ नहीं दे सकते हो? मैं ये सब तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए कर रही हूँ। तनुजा स्कार्फ क्यों खरीद रही थी ये सुनने के बाद अरमान चुप हो गया। वो खुद को ही ब्लेम करने लगा था उन बुरे ख्यालों के बारे में जो उसके दिमाग में चल रहे थे और फालतू में ही दिलप्रीत के मैसेज के बारे में सोचने के लिए। मुझे माफ करना, मुझे लगा लोगों को स्कार्फ गिफ्ट करना तुम्हारी हॉबी है। मैं चाहता था कि तुम मुझे बाकियों से अलग ट्रीट करो। तुम्हें तो पता ही है ना कि तुम्हारा दिया गया स्कार्फ मैं कितने ध्यान से कितने अच्छे से रखता हूँ संभाल कर। ये सुनकर तनुजा का दिल पिघल गया था। उसे अच्छे से पता था कि अरमान उस स्कार्फ को कितने अच्छे से संभालता था। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें मेरा किसी और के लिए स्कार्फ खरीदना नहीं पसंद तो मैं नहीं लूंगी, चलो चलकर कुछ और देखते हैं, तनुजा ने कहा। नहीं तुमने कहा ना कि ये अच्छा है, तो ये अच्छा है, हम यही लेंगे। अरमान ने तनुजा का पसंद किया हुआ स्कार्फ उठाया और सीधा उसकी पेमेंट कर दी। जरा इधर उधर और नजर मार लो, अगर तुम्हें अपने लिए कुछ भी लेना हो तो मुझे लगता है कि ये सिल्क का स्कार्फ तुम पर अच्छा लगेगा। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट के तौर पर ये ले लेता हूँ। अच्छा ठीक है, तनुजा भी ये सुनकर बेहद खुश थी। दोनों स्कार्फ्स की पेमेंट करने के बाद वो दोनों शीना, सोनू और बाकियों के लिए तोहफे खरीदने लगे। तनुजा को बूट्स का एक स्टोर देखकर याद आया कि उसे दिलप्रीत के लिए भी बूट्स खरीदने थे। तनुजा अचानक रुक गई और बोली, मुझे लगता है कि हमें उन सब के लिए एक एक पेयर बूट्स के ले लेने चाहिए। अरमान भी वहाँ रुक गया और तनुजा की आंखों में देखते हुए उसने पूछा, पर बूट्स ही क्यों? क्योंकि सर्दियों में घूमने जाने के लिए सबको बूट्स ही चाहिए होते हैं। इसी के साथ तनुजा उसे खींचकर अपने साथ स्टोर के अंदर ले गई और बोली, देखो ना कितने अच्छे डिजाइन्स हैं। नहीं मुझे लगता है कि बूट्स बहुत जगह घेरेंगे और हमारे लिए इन्हें वापस अपने साथ लेकर जाना मुश्किल होगा, अरमान ने हिलने से ही मना करते हुए कहा। इतने सूटकेस है हमारे पास, हो जाएगा एडजस्ट, कुछ नहीं होता, तनुजा ने जवाब दिया। मुझे लगता है कि परफ्यूम और लिपस्टिक बूट्स से बेहतर होंगे। शीना के लिए तो हम कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं, और रही बात सोनू की तो उसके लिए हम बेल्ट खरीद सकते हैं, अरमान ने कहा। वो तनुजा को आखिरी मौका देना चाहता था। अगर एक बार और तनुजा ने बूट्स का जिक्र भी किया तो अरमान अपना आपा खो बैठेगा। अच्छा ठीक है, क्योंकि अरमान ने साफ मना कर दिया था इसलिए तनुजा जिद नहीं करना चाहती थी ताकि अरमान को शक ना हो। पर शिवानी के बॉयफ्रेंड के लिए तो मैं बूट्स का एक पेयर खरीदना चाहती हूँ, अब हम यहाँ रोज रोज तो आते नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे गिफ्ट स्पेशल हों। जैसे ही तनुजा ने ये कहा अरमान फिर से एकदम चुप हो गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। शिवानी का बॉयफ्रेंड तो बहाना है, तुम असल में दिलप्रीत के लिए बूट्स खरीदना चाहती हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? अरमान ने गुस्से में तनुजा को कन्फ्रंट करते हुए कहा। तुमने अपना सारा दिमाग लगा दिया है इसमें कि तुम कैसे उसके लिए बूट खरीद सकती हो। तनुजा बहुत कंफ्यूज थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अरमान को कैसे सब पता था। पर तनुजा को पता था कि अभी वो उसकी बात नहीं मान सकती थी वरना बहुत तमाशा होता, इसलिए उसने कहा, मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। मैंने कहा मैं शिवानी के बॉयफ्रेंड के लिए खरीदना चाहती हूँ ये, तो बीच में अचानक ये दिलप्रीत कहाँ से आ गया? तुम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हो, अरमान ने कहा। दिलप्रीत ने तुम्हें मैसेज किया था जब तुम सो रही थी, मैंने देखा था वो। एपिसोड 233, फर्स्ट फाइट। तुमने मेरे पीछे मेरा फोन चेक किया? तनुजा ने परेशान होकर पूछा, वो बेहद दुखी थी। तुम्हारे पीछे का क्या मतलब है? तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मुझे पूरा हक है तुम्हारा फोन चेक करने का, अरमान ने कहा। और तुम्हें भी मुझे ऐसा करने देना चाहिए अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे फोन में कुछ भी ऐसा है जो तुम मुझसे छुपाना चाहती हो। यहाँ तक कि शादीशुदा लोगों में भी इतनी प्राइवेसी होती है, वो कभी भी एक दूसरे का फोन नहीं चेक करते। तनुजा काफी गुस्से में थी। मेरा फोन तो तुम जब चाहे चेक कर सकती हो, मैंने कभी किसी लड़की से बात नहीं की काम के अलावा, अरमान ने कहा। किसी और लड़के के लिए जूते खरीदना तो दूर की बात रह गई, पर तुम्हें मैंने कितने मौके दिए, कितनी बार वार्न भी किया कि किसी और मर्द के लिए तोहफा मत लो, पर तुमने तब भी ये करने की कोशिश की। तनुजा ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेने के बाद वो बोली,
दिलप्रीत ने मुझसे एक तोहफा मांगा था। मैंने भी उसे हाँ इसलिए कह दिया था क्योंकि उसने और उसकी माँ ने मेरी बहुत मदद की थी क्रिसमस इवेंट के समय। मेरे लिए वो बस मेरा एक दोस्त ही है और वो भी मुझे इसी नजर से देखता है। हमारे बीच कुछ भी उल्टा सीधा नहीं चल रहा, इसलिए मैं उसके लिए गिफ्ट लेने की बात मान गई थी। अगर कुछ गलत नहीं था तो तुमने मुझसे ये बात छुपाई ही क्यों? मैं कब से इंतजार कर रहा था कि तुम खुद ही मुझे सब साफ साफ बता दोगी, पर तुमने ऐसा नहीं किया। तुम शर्मिंदा थी, अरमान ने तनुजा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तो तुम ये सब सोचते हो मेरे बारे में? तनुजा उसकी बात से काफी हर्ट थी और गुस्सा भी। अगर मैं तुम्हें सब सच बताती तो क्या तुम मुझे जूते खरीदने देते उसके लिए? बिल्कुल नहीं। क्या तुम भूल गई मैंने तुमसे पहले क्या कहा था? अपने पिताजी के अलावा तुम किसी और मर्द के लिए कोई तोहफा नहीं खरीद सकती, खास तौर पर जूते। जूते सिर्फ पैरों को ही नहीं बल्कि इंसान के दिल को भी गर्म रखते हैं। क्या तुम्हें पता भी है कि एक इंसान के पैरों में कितने एक्यूपंक्चर पॉइंट्स होते हैं? उस सारे पॉइंट्स इंसान की ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाते हैं, सारे ऑर्गन्स तक खून पहुंचाते हैं। कई लोगों को बहुत जल्दी जुकाम हो जाता है क्योंकि उनके पैरों से ही सर्दी उनके शरीर में आई होती है। इसलिए इंसान को अपने पैर हमेशा गर्म ही रखने चाहिए। पैरों में इंसान का दूसरा दिल होता है। किसी के लिए जूते खरीदने का मतलब है तुम्हें उस इंसान की बहुत फिक्र है, तुम नहीं चाहते कि उसे जुकाम हो। देखा तुमने, तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है, अरमान ने कहा। पहले तो तनुजा बेहद गुस्से में थी, पर अब वो बस एक्यूपंक्चर, ब्लड और दिल में कंफ्यूज थी। जूतों का इन सब चीजों से कोई नाता कैसे हो सकता है? क्या हुआ था अरमान को? क्यों ऐसी अजीब बातें कर रहा था वो? देखा तुमने, बस इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी तुम मुझे गलत समझो। तुम बहुत ओवरथिंक कर रहे हो, तनुजा ने कहा। मैं तो सच कह रहा हूँ, तुम्हारा दिलप्रीत के साथ एक अलग ही कोई रिश्ता है जो कि गलत है, अरमान ने गुस्से में कहा। तनुजा अरमान से बहस नहीं करना चाहती थी, पर वो अपने फोन में दिलप्रीत का मैसेज जरूर देखना चाहती थी, ये जानने के लिए कि आखिर अरमान इतना नाराज क्यों था, उसे इतनी ज्यादा गलतफहमी क्या पढ़ने के बाद हुई थी। पर जैसे ही उसने अपना फोन खोला, वहाँ दिलप्रीत का कोई मैसेज ही नहीं था। यहाँ तक कि तनुजा को दिलप्रीत तो अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट में भी दिखाई नहीं दे रहा था। तनुजा ने अरमान को अपना फोन दिखाते हुए पूछा, क्या तुमने उसका नंबर डिलीट किया है? तनुजा का गुस्सा उसकी आंखों से साफ झलक रहा था। अरमान को भी अब उससे थोड़ा डर लगने लगा था, पर तब भी उसने हिम्मत करते हुए कहा, हाँ मैंने डिलीट किया है। तनुजा के अंदर तो जैसे कोई अजीब सी आत्मा ही घुस गई थी। वो पहले कभी इतना गुस्सा नहीं हुई थी। कैसे इंसान हो तुम? नहीं, तुमने सिर्फ उसका मैसेज डिलीट किया बल्कि तुमने उसका नंबर तक मेरे फोन से डिलीट कर दिया। ये मेरा फोन है और वो मेरा दोस्त, तो तुम्हें ये सब करने का हक किसने दिया? क्योंकि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, मंगेतर हूँ और जल्दी पति बनने वाला हूँ, इसलिए यह हक मेरे पास है। अरमान भी बेहद गुस्से में था क्योंकि तनुजा ने उसे इतना भला बुरा जो सुनाया था। तुमने ये सब मुझसे दिलप्रीत की वजह से बोला ना? क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए मुझसे ज्यादा जगह है? क्या ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने क्रिसमस इवेंट के टाइम तुम्हारी मदद की थी जब मैं टाइम पर वहाँ पहुँच नहीं पाया था? तुम्हारे दिल में काफी समय से ही बात थी ना? वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, तुम ही हो जो वो बात नहीं भूल पा रहे। क्योंकि अरमान ने बिना तनुजा की इजाजत के उसके दोस्त का नंबर उसके फोन से डिलीट किया था, और तो और उसे इस बात का जरा भी अफसोस नहीं था, इसलिए तनुजा का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया। तुम मेरी बॉयफ्रेंड हो तो क्या हुआ? क्या मेरा कोई दोस्त नहीं हो सकता? आप तुम नहीं चाहते कि मैं उसके लिए जूते खरीदूं, पर मैं खरीदूंगी। मैं जिसके लिए चाहूं उसके लिए तोहफा खरीदूंगी। क्या कर लोगे तुम? जान से मारोगे मुझे? कोशिश करके देख लो। मुझे कमरे में बंद करोगे? मुझे सारी जिंदगी शॉपिंग मॉल से दूर रखोगे? ट्राई करके देखो। ये पहली बार था कि तनुजा अरमान पर इतना गुस्सा हुई थी और उसके सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर तो अरमान जैसे बोलना ही भूल गया था। उस पर चिल्लाने के बाद तनुजा अकेली ही दुकान के अंदर चली गई और उसने ग्रे कलर के बूट्स उठा लिए। पर तभी अचानक उसे एहसास हुआ कि उसे दिलप्रीत का साइज तो पता ही नहीं था। उसने जैसे तैसे करके कहीं से दिलप्रीत का नंबर ढूंढा और उसे फोन किया और कहा, मैं तुम्हारे लिए बूट्स खरीद रही हूँ, मुझे जल्दी से अपना साइज बता दो। तभी अचानक अरमान भी अंदर आ गया। तनुजा की बात सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल ही टूट गया हो। वो उस पूरी दुकान को ही आग लगा देना चाहता था। तनुजा सच में उसके सामने ही किसी और आदमी के लिए जूते खरीद रही थी और उससे फोन पर उसका साइज भी पूछ रही थी। तो फिर अरमान उसके लिए क्या था? क्या वो उसके लिए कुछ नहीं था? वो तनुजा के सामने खड़ा बस चुपचाप गुस्से से उसे देखता रहा। तनुजा भी उसे इग्नोर करते हुए दिलप्रीत से बात करती रही।
तुमने मुझे सिर्फ ये पूछने के लिए फोन किया? क्या तुम्हें इस बात का जरा भी डर नहीं कि अगर अरमान को पता चला तो उसे बहुत जलन होगी मुझसे? तुम्हारी लड़ाई हो सकती है, दिलप्रीत ने कहा। तुम मेरे दोस्त हो और मेरी माँ की सहेली के बेटे, तुम मेरे भाई जैसे हो, अब क्या मैं तुम्हारे लिए जूते भी नहीं खरीद सकती? तनुजा ने ये सब अरमान के सामने कहा था। इसके बाद उसने सेल्समैन से कहा, भैया 9 नंबर निकाल दो इसमें। तनुजा, मैं तुम्हें आखिरी मौका दूंगा, तुम उसके लिए ये नहीं खरीद सकती, अरमान ने कहा। तनुजा सेल्समैन की तरफ मुड़ी और उसने कहा, क्या मुझे इस स्टाइल में सारे कलर मिल सकते हैं, साइज 9? मैं किसी और को गिफ्ट के तौर पर दूंगी ये। अरमान का गुस्से से भरा चेहरा देखकर तो सेल्समैन भी एक बार के लिए डर गया था। जाइए, तनुजा ने सेल्समैन से कहा। तनुजा पेमेंट करने लगी थी। पहले उसने अरमान का पर्स निकाला और उसकी तरफ देखते ही उसे वापस अरमान के हाथ में दे दिया। ये लो अपना पर्स, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। अरमान गुस्से से लाल हो चुका था। वो तनुजा से लड़ना भी चाहता था, पर वो दोनों एक पब्लिक प्लेस पर थे और तनुजा भी बहुत अजीब बिहेव कर रही थी। तनुजा, इतना आगे मत बढ़ो अब तुम, उसने कहा। मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ, क्या करोगे तुम, खाओगे मुझे? तनुजा ने उसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। मैं तुम्हारे पैसे नहीं इस्तेमाल कर रही तो तुम अभी तक बात क्यों कर रहे हो? क्या तुम ऐसे ही बात करते रहोगे? अगर ऐसा है तो हमें अलग अलग ही शॉपिंग करनी चाहिए। अरमान ने कुछ नहीं कहा। हटो मेरे रास्ते से, मुझे अपने लिए भी जूते खरीदने हैं, तनुजा ने अरमान को साइड हटाते हुए कहा। अरमान को अपने कदम पीछे लेने पड़े। वो चुपचाप हैरान होकर तनुजा को देखता रहा। तनुजा, तुम बहुत एरोगेंट हो, उसने कहा। तो इसमें गलत क्या है? सीधे साधे लोगों को आजकल सब बुली करते हैं, परेशान करते हैं, तनुजा ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में ही बात कर रही हूँ। मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मेरी नजरों के सामने रहने की। तुम्हें देखने भर से मुझे गुस्सा आता है। अरमान हैरान था। तुमने किसी और मर्द के लिए जूते खरीदे और अब तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे कि तुमने सही चीज की हो, और तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। हाँ, मैं तुम पर चिल्ला रही हूँ, चिल्ला चिल्ला कर ही मार दूंगी तुम्हें, तनुजा ने कहा। और इसके साथ उसने अपने लिए जूते ढूंढ कर उन्हें ट्राई करना शुरू कर दिया। तनुजा अरमान को बस इग्नोर करती रही, जैसे कि वो वहाँ मौजूद ही ना हो।